नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने साइंस सिटी में रोबोट प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी नेता अनवर खान की गोली मारकर हत्या। यूपी में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल सड़क हादसे में हुए घायल। जेडीयू से इस्तीफे के बाद बोले एमएलसी रणवीर नंदन, ललन सिंह के बात करने का अंदाज ठीक नहीं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी हमलावर, आरजेडी और जेडीयू ने किया कांग्रेस का समर्थन। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील मोदी के दावे को बताया सही, कहा जेडीयू में टूट निश्चित है। मेनका गांधी के बयान पर स्कॉन पर पलटवार, कहा सनातन पर आक्रमण फैशन बन गया है। जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पुलवामा, शोपिया और अनंतनाग में कई ठिकानों पर मारा छापा। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के लारकीपोरा में गाड़ी के अंदर हुआ धमाका। हैदराबाद में 35वें फ्लोर से कूदकर 14 साल के बच्चे ने किया सुसाइड। पंजाब में एनआईए ने फिरोजपुर से एक शख्स को हिरासत में लिया, गैंगस्टर अर्श डाला के साथ लिंक होने का शक। ऑस्कर फिल्म के लिए इस साल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो। एशियन गेम्स में भारत ने जीता 4वां गोल्ड, मनु भाकर ने लहरा दिया भारत का झंडा। पश्चिमी देशों से तनाव के बीच ईरान ने अपने इमेजिंग सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।